हे नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल धारा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों ईश्रम कार्ड डाउनलोड कैसे करें। सो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो ईश्रम कार्ड अपना आप डाउनलोड करना तो दोस्तों आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिंपली दोस्तों आपको लाल बटन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बगल में दोस्तों आपको बेल आइकन दिखाई दे रही है, इस घंटी पे भी आपको क्लिक कर देना है ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका ऑल नोटिफिकेशन आपको वो सबसे पहले मिलेगा। सो दोस्तों, मेरा नाम है धारा सिंह और आप देख रहे हो टेक्निकल धारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, हम करते वीडियो को स्टार्ट। सो सबसे पहले दोस्तों आपको ईश्रम अपना डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको सर्च करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना ई श्रम कार्ड, इतना आपको यहाँ सर्च कर लेना है। यहाँ सर्च करेंगे गूगल क्रोम ब्राउज़र में आप ई श्रम कार्ड, उसके बाद सबसे फर्स्ट वाला आपको यहाँ पर साइट दिखाई देगा। तो दोस्तों इसी के ऊपर, साइट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ई श्रम कार्ड का यानी दोस्तों साइट है जो दोस्तों यहाँ पर ओपन हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों अगर आपने ई श्रम कार्ड नहीं बनाया तो यहाँ पर रजिस्टर वाला ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करके आप यानी कि ई श्रम कार्ड आप यहाँ पर बना सकते हो। और दोस्तों आपको करना क्या, आपको डाउनलोड करना है तो आपको अपडेट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर मैं अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना, जो भी आधार कार्ड से लिंक है वो नंबर आपको डाल देना है। चलिए यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद में आपको एक कैप्चा जो दिखाई दे रहा है ये इस बॉक्स में आपको डाल देना है। चलिए यहाँ पर मैं दोनों डाल देता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद में आपको यहाँ पर इस टाइप का यहाँ पर कैप्चा दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में आपको डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर सेंड ओटीपी वाला, तो देने इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर सेंड ओटीपी, जैसे मैं क्लिक करता हूँ उसके बाद आपके नंबर पे यहाँ पर ओटीपी आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ओटीपी आ चुका है और यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं ओटीपी को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसी के ऊपर देन क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर मैं सबमिट वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करूँगा, उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है, और दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दूसरा पेज सिंपली यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सिंपली डाल दिया है, यहाँ पर जैसे मैंने ओटीपी डाल दिया। उसके बाद दोस्तों देखिए आपको करना क्या, यहाँ पर दोस्तों आपका आधार कार्ड नंबर इस बॉक्स में आपको डालना होगा। चलिए यहाँ पर मैं इस बॉक्स में आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों ओटीपी वाला ऑप्शन रहेगा तो आपको इसी के ऊपर आपको यहाँ पर टिक लगा देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, ये कैप्चा दिखाई दे रहा है फिर से आपको यहाँ पर इस बॉक्स में डाल देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं इस बॉक्स में आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ, तो आपको भी अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ डाल देना है। सो दोस्तों यहाँ पर मैंने आधार कार्ड नंबर डाल दिया। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर दोस्तों एक कैप्चा दिखाई देगा, इसमें यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में यहाँ सबमिट वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा दोस्तों, तो आपको सबमिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर देना आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया। उसके बाद में आपके नंबर पे फिर से एक ओटीपी आएगा दोस्तों, तो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में आपको यहाँ पर ओटीपी डालना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है दोस्तों, आपको यहाँ पर फिर से आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे, तो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर ओटीपी आ चुका है और यहाँ पर सिंपली मैं ओटीपी डाल देता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर मैंने ओटीपी डाल दिया। उसके बाद में आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर वैलिड डेट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसी के ऊपर देना आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन दिखाई देगा नीचे की तरफ, अपडेट ई KYC का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ पर डाउनलोड UN कार्ड, तो दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक कर दिया उसके बाद यहाँ पर मेरा कार्ड आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों डाउनलोड UN कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक कर दिया उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका डाउनलोड यानी कि दोस्तों ई श्रम कार्ड आसानी से दोस्तों आपके मोबाइल में यहाँ पर आपको डाउनलोड हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। सो दोस्तों आप इस तरह से आसानी से दोस्तों आप ई श्रम कार्ड यानी कि दोस्तों आप अपने मोबाइल में यानी कि दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हो। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।